नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। जयंत चौधरी को जो मांगा था वो मिल गया है, लेकिन अब वो मिल रहा है जो उन्होंने न मांगा था न चाहा था। जयंत चौधरी को योगी सरकार में एक मंत्री पद मिल गया, अपने एक विधायक को मंत्री बनवा दिया, बागपत की सीट मिल गई, बिजनौर की सीट मिल गई। लेकिन जयंत चौधरी ने कभी नहीं सोचा होगा न मांगा होगा कि उनके कार्यकर्ता, उनकी पार्टी के पदाधिकारी भाजपा का जिंदाबाद न करने के लिए पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं या उन्हें पार्टी से निकालने की नौबत आ जाए। अक्सर मैं जब राजनीतिक चर्चाओं की बात करता हूं अलग अलग पार्टियों की, खासकर क्षेत्रीय पार्टी, तो अक्सर एक बात सामने जरूर आती है और तमाम अतीत के अनुभवों से आती है। भाजपा के करीब जो भी पार्टी जाती है, मोदी जी जिन्होंने बचपन में मगरमच्छ पकड़ लिया था, वो आज के दौर में छोटी पार्टियों को वैसे ही हजम कर जाते, यानी भाजपा चक्कर वो दिखता नहीं है, अदृश्य होता। कार्यकर्ता जिन्हें सत्ता की मलाई चखनी है वो फिर भाजपा को छोड़ करके अपने नेता के प्रति आस्था कम करने लगते हैं, यानी उनकी आस्था भाजपा में बढ़ने लगती। जो भाजपा के सामने किसी मलाई के लालच के बगैर घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं होते हैं वो पार्टी से दूर होते जाते हैं। यानी एक वोट बैंक जो सत्ता के करीब रहने वाला है, वोट बैंक कह ले, संगठन कह ले, वो अपने नेता को छोड़ करके भाजपा के लिए आस्थावान। और दूसरा जो सत्ता के करीब ना जाकर के संघर्ष में यकीन रखता है, हक हुकूक में यकीन रखता है, वो जनाधार खिसक जाता है। तो कहीं के नहीं बचते हैं ये छत्रप छोटे छोटे दल जो हैं या उनके नेता, वो कहीं के नहीं बचते। क्या जयंत चौधरी के साथ यही कहानी शुरू हो गई है जो इतनी भूमिका मैंने बताई? ये सवाल यही था कि क्या जयंत चौधरी के साथ भी यही कहानी शुरू हो गई? अभी एक ताजा ताजा उदाहरण मिला है और फिर बात वही कि एक ही उदाहरण काफी है, जैसे पतीले में एक चावल गृहिणी देखती है चावल पका है कि नहीं। एक महिला जिलाध्यक्ष, महिला मोर्चे की जिलाध्यक्ष, उसने भाजपा जिंदाबाद नहीं बोला। भाजपा के लोग इस कदर नाराज हुए कि जयंत चौधरी की पार्टी को, उस महिला नेत्री को पार्टी से बाहर करना पड़ा। अब सोचिए किस मुंह से जयंत चौधरी जाएंगे अपने समर्थकों के बीच वोट मांगने? क्या ये सवाल नहीं उठेगा कि भाजपा के सामने ऐसा घुटना टेक के, मोदी और शाह के सामने ऐसे नतमस्तक हुए कि जो भाजपा जिंदाबाद नहीं करेगा उसको पार्टी से निकाल दिया जाए? जयंत चौधरी जिंदाबाद करने के लिए भले बाध्य हो कार्यकर्ता, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद करने के लिए भले उसकी निष्ठा जरूरी हो। चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद, अजीत सिंह जिंदाबाद, यहां तक तो ठीक, लेकिन रालोद के कार्यकर्ता को मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद या भाजपा जिंदाबाद कहने के लिए कैसे मजबूर किया जा सकता है? और अगर मजबूर किया जा रहा है तो क्या यह सवाल खड़ा नहीं होगा कि राष्ट्रीय लोकदल को जयंत चौधरी ने बीजेपी के पास बंधक रख दिया? क्या यह सवाल खड़ा नहीं होगा? क्या घटना हुई है, क्यों एक महिला मोर्चे की पदाधिकारी को अध्यक्ष बाहर का रास्ता दिखाया? घटना कब की है? सब ब्यौरा लेकर हमारे साथ हमारे साथी आलोक पाठक जुड़ रहे हैं। आलोक भाई, ये बड़ा हैरान करने वाला मामला है कि आज की तारीख में अखिलेश यादव अपने किसी कार्यकर्ता को इसलिए निकाल दें पार्टी से कि उसने राहुल गांधी जिंदाबाद या कांग्रेस जिंदाबाद नहीं बोला। ठीक है, दो पार्टियां साथ हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष बोले राहुल गांधी जिंदाबाद या कांग्रेस जिंदाबाद।
उसके लिए अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, ये बोलना तक ठीक है और जरूरी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस जिंदाबाद क्यों बोलेगा भाई? उसकी इच्छा होगी बोलेगा, नहीं इच्छा होगी नहीं बोलेगा। और अगर उसको निकाल दिया जाए, ये सवाल मैं इसलिए समाजवादी पार्टी का उदाहरण दे रहा हूं कि ऐसा ही अगर कुछ समाजवादी पार्टी के साथ हुआ हो तो आज की तारीख में उसी खबर को दिखा करके कहा जाता कि देखो अखिलेश यादव कैसे जो है ऋण विहीन हो गए हैं, घुटने टेक दिए। तो क्या जयंत चौधरी ने घुटने नहीं टेक दिए भाजपा के सामने, पार्टी को बंधक नहीं रख दिया? क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बागपत में बागपत की सीट मिली है राष्ट्रीय लोकदल के खाते में, राजकुमार सांगवान को वहां से प्रत्याशी बना दिया गया है। और बागपत बड़ी ऐतिहासिक सीट है जहां से चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह चुनाव लड़ते थे, ये उनका गढ़ माना जाता था। अब वहां पे 2-3 दिन पहले एक मीटिंग चल रही थी, कोऑर्डिनेशन थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी दोनों के कार्यकर्ता आए थे। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता विजेंद्र शर्मा ने महिला मोर्चे की अध्यक्ष रेणु तोमर को बुलाया कि आप आइए और भाषण दीजिए। भाषण शुरू करने के पहले उन्होंने चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद, जयंत सिंह जिंदाबाद और चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए और अपना भाषण दिया। साथ में ये भी बोला कि अभी चूंकि अभी हाल ही में आरएलडी का और बीजेपी का गठबंधन हुआ है, इसलिए वो अभी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकते। ये बात उन्होंने मन से कही। इस बात पे इतना ज्यादा इशू बना लिया बागपत के जिला अध्यक्ष ने कि तुरंत रेणु तोमर को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। ये खबर मीडिया में दबा दी गई, नहीं तो आप सही करें, अगर समाजवादी पार्टी के किसी कार्यक्रम में ऐसा होता तो शायद इस पे लगातार डिबेट चल रही होती। ये खबर दबा दी गई लेकिन अखबारों में फिलहाल छप गई है। और उसके बाद पता चला है कि मैं आपको बताऊं तो आरएलडी के बहुत से नेता, अभी एक बड़े नेता युवा वर्ग के थे लोकेंद्र विधोड़ी, उन्होंने आरएलडी छोड़ के भारतीय जनता सॉरी समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया था अखिलेश यादव के सामने। और बड़ी संख्या में युवा, वो उत्तर प्रदेश के हैं विदोड़ी जी, बड़ी संख्या में युवा उनके साथ यहाँ आए। मैंने खुद वो उनकी ज्वाइनिंग देखी थी और बड़े जोश फरोश के साथ अखिलेश यादव ने उनका स्वागत किया। उसके बाद ये रेणु तोमर वगैरह का भी मामला, बहुत बड़ी संख्या में लोग आरएलडी छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर। एक तरफ मुजफ्फरनगर में अभी बागपत का प्रत्याशी घोषित नहीं किया विपक्ष ने, लेकिन बगल में बड़े मजबूत जाट नेता हरेंद्र मलिक चुनाव लड़ रहे हैं वहां से। और ये जो घटनाक्रम है, अभी तक अखिलेश यादव ने एक शब्द नहीं बोला है जयंत चौधरी गठबंधन छोड़ के चले गए तो भी, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट उन्होंने। कई किसान नेता भी नाराज है जयंत चौधरी से। और इस घटना के क्रम के बाद आरएलडी में बहुत जबरदस्त असंतोष है। अभी तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अभी तो कम लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत लोग अब ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये सीधे स्वाभिमान का मामला हो गया ना। वो आपके मंच पे आई राजकुमार सांगवान को जितवाने के लिए, वहां पार्टी बुलाया गया था, भाजपा और आरएलडी का कार्यकर्ता आए थे और मीटिंग चल रही थी एक मैरिज लॉन में भाजपा, उसने नारे तो लगाए ना भाई, उसने चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद बोला रेणु तोमर ने, चौधरी अजीत सिंह जिंदाबाद बोला, चौधरी जयंत चौधरी जिंदाबाद बोला। तो ये कौन सा हो गया कि भाई मोदी और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो साइन नहीं हुआ कि आरएलडी वाले हर मीटिंग में मोदी जिंदाबाद और योगी जिंदाबाद, कोई चुनावी सभा तो ऐसा नहीं थी। तो इस तरह की बातें कार्यकर्ताओं में, एक तो वैसे से बहुत सी नाराजगी थी क्योंकि अचानक से निर्णय लिया गया, खुद ही असहज माने रहे हैं और इसको लेके एक जबरदस्त माहौल लग रहा है। और वैसे भले ना गोदी मीडिया पर आपको दिखाई दे, लेकिन सोशल मीडिया पे इसकी बड़ी चर्चा हो रही है और लोग बहुत नाराज बताए जा रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि आरएलडी का आत्मसम्मान गिरवी रख दिया गया है एनडीए से गठबंधन करने के चक्कर में। नहीं, मैं आत्मसम्मान नहीं, मैंने तो कहा इस बात को जो कई लोग कह रहे हैं, बतौर एक इंडिविजुअल और बतौर पत्रकार अगर हम घटनाओं का आकलन करेंगे तो यहाँ पर तो पार्टी का आत्मसम्मान नहीं, पार्टी की इज्जत लगती है। भाई हम अपने पार्टी के नेता को हम इसलिए निकाल देंगे कि फलाने हमारे पड़ोसी जिंदाबाद नहीं बोले? अरे पड़ोसी के साथ हमारे संबंध भले अच्छे हो लेकिन इसलिए थोड़ा निकाल देंगे। यही सवाल, अब बड़ा सवाल है कि आखिर जयंत चौधरी ने कहा था कि मैं 54 नहीं हूं, वाकई आज की तारीख में, अब तो मैं भी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जयंत चौधरी 54 नहीं है, जयंत चौधरी 5 पैसा है जो चलना बंद हो गए,
5 पैसे होता था ना, वो चौकोना सा चौकोर सिक्का छोटा सा होता था, जस्ता का वो एल्युमिनियम वाला, वो है, वो बंद हो गया चलना। अब वो जो है उसको खोजा जाता है, लोग संभाल करके रखते हैं कि ये जो है क्या कहते हैं, जो पुरातात्विक खोज में निकलता है पुरानी चीजें उस श्रेणी में है वो। तो वैसे ही ऐसा ना हो कि पार्टी को भी उसी श्रेणी में पहुंचा दे, जब कार्यकर्ता नहीं रह जाएंगे तो शायद भाजपा, और बड़े आश्चर्य की बात है, जिस पार्टी ने उनके पिता को अपमानित किया, सामान उठाकर सड़कों पर फेंका, आज उस पार्टी के सामने अपने कार्यकर्ता को भी अपमानित करवा रहे हैं। पहली बात तो वहीं पर प्रश्न था कि पिता को अपमानित करने वाले के सामने आपने घुटने टेके, लेकिन अब कार्यकर्ता को भी अपमानित करवा रहे हो। पिता को अपमानित आपने करवाया, चलिए ठीक है, आपके साथ कार्यकर्ता लगा रहा कि नहीं, जैन चौधरी जिंदा रहा। और जो कार्यकर्ता को जब अपमानित करवाओगे तो कार्यकर्ता क्या आगे ऐसा होगा कि मोदी शाह जिंदाबाद और योगी जिंदाबाद, छोड़िए जैन चौधरी जिंदाबाद भी मुश्किल हो जाएगा कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा होगा। देखिए आशीष भाई, आप एक घटना शायद आप जिक्र करना भूल गए। हाथरस में बेटी को न्याय दिलाने गए थे जयंत चौधरी, और इसी योगी की पुलिस ने जबरदस्त लाठी चार्ज किया था जयंत चौधरी के ऊपर, जबकि जयंत चौधरी पूर्व सांसद रहे हैं और एक संसद का एक प्रोटोकॉल होता है, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो वो भी तो देखा था। आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था हो गई कि आप अचानक से 28 जनवरी को, इसका मतलब ये बात रेनू तोमर ने स्टेज पे बोली कि थोड़ा मुझे समय लगेगा, बोला भी कि थोड़ा समय लगेगा, अभी हम तुरंत नहीं बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, क्योंकि तो हम लोग को उसकी आदत नहीं। उसके बाद भी उस महिला को निकाल देना, उससे महिला कार्यकर्ताओं में बड़ी नाराजगी है। तो ये जो भी पूरा घटनाक्रम हो रहा जी आशीष भाई, वो ये बता रहा है कि कहीं न कहीं आरएलडी के अंदर अभी भी एक बड़ा असंतोष है इस गठबंधन को लेके। वैसे भी कोई बहुत कुछ तो असंतोष, बयान नहीं। असंतोष की बात मैं बताऊं, आपने किसान नेताओं की बात की थी, किसान नेता हैं, बुजुर्ग किसान नेता जो चौधरी चरण सिंह के सानिध्य में, अपनी युवावस्था में चौधरी चरण सिंह के सानिध्य में रहे, अजीत सिंह के साथ रहे, चरण सिंह के दशक चौधरी साहब के सानिध्य में रहे। आज भी जब भी उनसे चर्चा होती है, हमारे चैनल पे भी आते हैं, तो चौधरी साहब के सबक बताते हैं कि जब हम पढ़ाई कर रहे थे जो है गाजियाबाद आए पढ़ाई करने के लिए, तो चौधरी साहब ने एक बार किसान आंदोलन में मुझसे ऐसे बोला, ये कहा था कि ये ध्यान रखना जीवन में। उन्होंने इस गठबंधन के बाद बहुत, मतलब क्रोध में बहुत कुछ कहा, और जिस बात की आपने हाथरस वाली चर्चा की, उन्होंने कहा था कि ये जय ये इतना नहीं सोचा कि जब इस पर लाठियां बरस रही थी तो जिनकी पीठ, जिनकी जिन युवाओं की, जिन लड़कों की पीठों ने इसको बचाया था, उनकी पीठ में इसने वार किया है। दरअसल जैन पर जब लाठियां गिर रही थी तो यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर, घेर हाँ, लिया। वो सीन याद करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान थे कार्यकर्ता, जिन कार्यकर्ताओं को आज कहा जा रहा है मोदी योगी नहीं जिंदाबाद करोगे तो बाहर जाओ बर्खास्त हो जाओ, वो जिलाध्यक्ष नहीं बचाने गया होगा जो बर्खास्त किया है जैन। ये ऐसे ही रेणु जैसे, रेणु तोमर और या ऐसे ही युवा थे जिन्होंने घेर लिया चारों तरफ से, बीच में जैन को कर लिया। एक तस्वीर में बता रहा हूँ सजीव, आप लोग देख सकते हैं गूगल में जाकर, बीच में घेर लिया चारों तरफ से जैन को, कि एक भी लाठी जैन पे न गिरे और उनकी पीठों पर लाठियां दनादन गिरी। जयंत चौधरी, ये सियासत है, इस सियासत में कार्यकर्ताओं के ऊपर गिरी लाठियों का कोई मोल नहीं है भाई, कोई मोल नहीं है। फिर मुद्दे पर आते हैं, उस वक्त बड़ी सारी बातें, चौधरी साहब तो बड़े नाराज थे, भारतीय किसान यूनियन असली उन्होंने अलग कर लिया कि जो आंदोलन बेच देने वाले नेता हैं, कुछ किसान नेता उसे अलग करके वो असली भारतीय किसान यूनियन, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बुजुर्ग, बड़े उस समय भावुक भी थे और क्रोधित भी। ये जयंत चौधरी के साथ ऐसा क्या है, मतलब आप तो लोकल लीडर से बात किए होंगे, दुबे जी और तमाम लोग हैं लखनऊ में, बातचीत इस बारे में, इस प्रकरण पे आपकी कुछ हुई कि भाई ऐसा क्या है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को जो है मजबूर कर रहे हो मोदी योगी जिंदाबाद के लिए? देखिए पहली बात तो जब समझौता हुआ तो शायद ये बोला गया था कि 2 मंत्री पद दिए जाएंगे, लेकिन दिया एक ही गया। विभाग भी कोई बहुत अच्छा नहीं दिया गया,
लोगों को उम्मीद थी कि शायद ऊर्जा विभाग मिल जाएगा, बड़ा विभाग मिलेगा, राष्ट्रीय लोकदल के कद को देखते हुए 9 विधायक हैं, या फिर गन्ना मंत्रालय मिल सकता है, गन्ना समस्याओं की बड़ी बात थी, उम्मीद तो दिया गया, किसी विभाग में नहीं दिया गया किसान आंदोलन को लेके। तो असंतोष तो है, अब उस असंतोष का कितना असर इस गठबंधन के वोटिंग पैटर्न पे पड़ेगा, ये थोड़ा हमको डाउट लग रहा है कि आरएलडी के भाजपा से जुड़ने के बाद हो सकता है आरएलडी अपनी दोनों सीट तो जीत पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटों में वोट ट्रांसफर होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। और आप जबरदस्त और भारतीय जनता पार्टी को तो तुरंत ही बोलना चाहिए था, हस्तक्षेप करना चाहिए था कि आप रही तो मत निकालिए भाई, नेतृत्व को तुरंत, मतलब ये अगर दो दल एक दूसरे के साथ हैं तो मतलब दोनों दल एक दूसरे का हाथ उठा के खड़े होंगे ना, तभी ना काम चलेगा। तो ये और उसके बाद जयंत चौधरी से कल पत्रकारों ने पूछा कि बड़ी संख्या में जाट आपसे नाराज है, तो कहा कुछ हमसे नाराज है, कुछ की बात मैं मानूंगा, कुछ क्यों, कुछ को मैं मना लूंगा, वो स्पष्ट पता नहीं। किसानों की नाराजगी का भी कहे हाँ मैं, लेकिन मैं किसानों की नाराजगी दूर करने का प्रयास करूंगा। अब क्या प्रयास करेंगे, कितने लोगों को गन्ने का मूल्य, गन्ने का पैसा बाकी कब तक जला पाते हैं, अब तो 2-4 दिन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा, ऐसी भी कोई घोषणा नहीं है कि पकाए, ज्यादातर जो किसान गन्ना गन्ने वाले किसान वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही है, जाट बेल्ट रही है, तो ये सारी चीजें हैं अब कितना। और दूसरी तरफ अब वो जो नाराज लोग हैं गठबंधन से, जो नाराज लोग हैं वो खुल के भारतीय सारी समाजवादी पार्टी में शामिल हो, जैसे लोकेंद्र भिधोड़ी का मैंने बताया, रोज ज्वाइनिंग हो रही है, छोटे छोटे जिले लेवल पे ज्वाइनिंग हो रही है, क्योंकि सपा से रिलेटेड चीजें हैं इसलिए मीडिया में नहीं आएगी। वैसे तो अगर कांग्रेस पार्टी का आप कल बता रहे थे कि वो अब ऐसे हो गए, पचौरी के इतने बड़े नेता है कि मोहल्ले का पकौड़ी वाला नहीं बुला रहा है, या बात करें अजय कपूर की कि अजय कपूर ने जो पिछले 2 बार विधानसभा चुनाव हार रहे हैं उनको ज्वाइन करके बहुत मतलब माहौल बना दिया गया, लेकिन आरएलडी का कोई बड़ा कार्यकर्ता, आप किसी को पता है कि आरएलडी के महामंत्री थे लोकेंद्र भिधोड़ी, वो छोड़ के इधर आए हैं, बड़ी संख्या में मेरठ के ब्राह्मण छोड़ के आए हैं समाजवादी पार्टी, ये खबर कहीं आई नहीं आई। एक लोध बिरादरी के कई नेता शामिल हुए हैं, लोध बिरादरी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में पर आ रही कहीं, और आज भी सुनने में आया कि काफी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी छोड़ के, तो माफ कीजिएगा भाजपा छोड़ के सपा छोड़ के, तो ये खबरें अब आ नहीं रही है। और समाजवादी पार्टी का नेटवर्क है अपनी वैसे कोशिश कर रहा है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के अंदर कुछ बिखराव है तो उस पर खबर खबर चलेगी धुआंधार, लेकिन आरएलडी छोड़ के कौन कौन जा रहा है ये चीज वो नहीं बताया। यानी कुल मिला जुला करके आलोक भाई चर्चा में ये बात इस खबर में, क्योंकि ये न्यूज अपने आप में बहुत जरूरी भी है राजनीतिक, आज के राजनीतिक घटनाक्रम में पार्टियों के भीतर के लोकतंत्र पर चर्चा में भी इस घटना का आगे भी कोट किया जाएगा जरूर, हम तो जब चर्चा करेंगे पार्टी के भीतर लोकतंत्र कितना है, कार्यकर्ता क्या नेता का बंधक है, जो जयंत चौधरी जिन पर मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं तमाम कार्यकर्ता जो आरएलडी के थे बहुत सारे करीब, जो जयंत के बिल्कुल करीब हैं व्हाट्सएप पे जिनके साथ हेलो हाय रिप्लाई भी होता है, वो भी बड़े उम्मीद में थे, उनको बड़ी उम्मीदें थी जयंत से कि चलो जो चौधरी साहब वाला चरण सिंह वाला जमाना था वो वापस आएगा, फिर से पार्टी मजबूत। लेकिन निराशा है किसान, और निराशा सिर्फ भाजपा के साथ जाने से नहीं, मैंने उसके बाद बहुत से आरएलडी के जयंत के करीबी लोगों से बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं भाजपा के साथ चले गए, जरूरी नहीं कि भाजपा के साथ हमेशा रहे, हो सकता है कि स्थितियां जो है अगर कहीं पर भी उनको लगेंगी कि प्रतिकूल है या आरएलडी के जो मूल सिद्धांत है उनसे भाजपा खिलाफ जा रही है, ये व्यक्तिगत बातचीत में मैं बता रहा हूँ दर्शकों को, तो उन्होंने कहा कि अगर कहीं से भी लगेगा कि आरएलडी के जो विचारधारा है उसके खिलाफ भाजपा काम कर रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास, कहीं पे भी मुस्लिम हिंदू ये सब करने की कोशिश कर रही है, तो जयंत छोड़ करके भी आ सकते हैं कोई बात नहीं, गए हैं पॉलिटिकल सर्वाइवल का विषय है तो गए कोई बात नहीं, सर्वाइवल जरूरी है। लेकिन उस वक्त
मैंने आपसे चर्चा में कहा था, दर्शकों को याद होगा, मैंने कई शो में कहा था, थाना भवन से एक विधायक है अशरफ अली, और जो समीकरण भाजपा में जाने के बाद जो समीकरण बने थे, और मैंने सवाल किया, मैं कहा कि बड़े मुश्किल से पिछले 3-4 साल में 2020-21 के बाद बहुत मुश्किल से बड़े समय बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुसलमान साथ नजर आ रहे हैं। 2012 के बाद अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि जाट मुस्लिम साथ नजर आ रहे हैं, जैन की वजह, जैन के पीछे अब जाट भी खड़ा है विश्वास के साथ और मुसलमान भी खड़ा है। अब भाजपा में जाकर के क्या फिर से उस पूरे की पूरी जो 3 साल की कमाई है एक के बाद में फिर से नहीं उसको सत्यानाश कर रहे हैं जैन चौधरी? तो जैन के शुभचिंतकों ने कहा कहा कि देखिए ऐसा नहीं है, जैन चौधरी मुसलमानों के हित को लेकर के सजग है, भले भाजपा के साथ जा रहे हैं, और इसीलिए जो बातचीत हुई है भाजपा से उसमें है कि योगी सरकार में जो मंत्री बनाए जाए उसमें अशरफ अली को जरूर मंत्री बनाया जाए थाना भवन से। इससे संदेश जाएगा कि मुसलमानों के हितों की कीमत पर कोई समझौता नहीं कर रहे हैं जैन चौधरी, मुसलमानों को और मजबूत करने काम कर रहे हैं भाजपा के साथ आकर के अशरफ अली को मंत्री बनवाएंगे। अशरफ अली खाली हाथ नहीं बनाए मंत्री, तो मुसलमानों में भी एक संदेश चला गया। अब ये कैलकुलेशन जयंत कहां पहुंचा दिए हैं आरएलडी, जाट नाराज, कितने नाराज हैं मैं गिनती नहीं बता सकता हूं भैया, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने उनके साथ थे और जिस जुनून से एक बड़ी एक बड़े हिस्से में नाराज किए, किसान नाराज है, जो किसान आंदोलन से वाकई जुड़े हुए हैं वो किसान भी नाराज है, मुसलमान अब वो भी धीरे धीरे मोह भंग उनका भी जैन चौधरी से हो गया, वो चवन्नी अठन्नी वाली बातें भूल गए, वो सब भी उनको भी धीरे धीरे समझ में आने लगा। तो कुल मिला जुला करके पार्टी को सिर्फ सत्ता लुलुपता के लिए क्या जैन चौधरी ने एक पार्टी को, जिस पार्टी को अजीत सिंह भी मौसम वैज्ञानिक भले उनको लोग कहते थे, लेकिन पार्टी को कम से कम उन्होंने जिंदा रखा था जाते जाते, भले कमजोर कर दिया, ये क्या कमजोर पार्टी को खत्म करने की तरफ कदम बढ़ चुका है? ये भी सवाल है। इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ जा रहा हूँ, इस सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा, आप दें कमेंट बॉक्स, हमें इजाजत दें, न्यूज लॉन्चर आप देखते रहें, नमस्कार।